मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान पर कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बहुमत से बन रही है, हिमाचल की जनता बदलाव चाहती है। आज प्रदेश के कर्मचारी, युवा, बेरोजगार, महिलाएं और आम लोग सरकार से दुखी है। नरेश चौहान ने कहा कि उपचुनाव में भी मुख्यमंत्री जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन उन्हें चारों सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। हॉर्स ट्रेडिंग हिमाचल की परंपरा नहीं है, कांग्रेस को अपने विधायकों पर पूर्ण भरोसा है। 2 नवंबर को हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और फीडबैक लेंगे। वहीं कुछ कर्मचारियों ने बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान के लिए अप्लाई करने के बावजूद भी उन्हें बैलेट पेपर नहीं मिला है। इसके खिलाफ कांग्रेस लीगल सेल ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। देखिए, 8 तारीख तक जब तक परिणाम बाहर नहीं आते, तब तक सबको अपने अपने तरीके से सोचने का अधिकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज टिप्पणी की है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि एक साल पहले जो बाई इलेक्शंस हुए थे हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों, उस वक्त भी आप पीछे जाके देखोगे उनकी स्टेटमेंट्स, बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ वो कहते थे कि भाजपा जीतेगी और चारों सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी। आज भी परिस्थितियाँ वैसी है, मूड हिमाचल प्रदेश के लोगों का बदलाव का है, कांग्रेस पार्टी को लाना चाह रहे हैं, उसका कारण है। आप सरकारी कर्मचारी की बात करें, किसान बागवान की बात करें, या बेरोजगार युवा साथी की बात करें, या महिला जो महंगाई को झेल रही है उनकी बात करें, हर वर्ग जो है परेशान था इस सरकार से। और मुझे लगता है जो हमारे पास फीडबैक आया है नेताओं द्वारा भी, कार्यकर्ताओं द्वारा भी, और लोगों से भी इन दिनों मिलने का बड़ा टाइम मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अच्छी मेजोरिटी में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर वापसी करने वाली है। तो इसलिए ये मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट की हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत पड़ेगी, मैं भी यही कहता हूँ, नहीं पड़नी चाहिए, ना ही हमारा कल्चर है, ना ही हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए और ना ही ये परिस्थितियाँ रहेगी। जो भाजपा का मॉडल रहा है देश के अंदर पिछले 4-5 सालों में, कई राज्यों में जो सरकारें बनी विपक्षी दलों की, उनको गिराया गया। वो क्यों गिरी सरकारें, उनके पीछे क्या कारण थे? आप महाराष्ट्र की बात करें, आप मध्य प्रदेश की बात करें, उससे पहले गोवा में गिरी, मणिपुर में गिरी, क्या कारण थे? कैसे गिर गई सरकारें? ताकत थी, धन बल की और एजेंसीज की। मैं समझता हूँ ये परिस्थितियाँ हिमाचल में होने वाली नहीं। उसके कारण क्या है? एक तो हमारे जो विधायक हैं ये खरीदो फरोख्त होने वाले नहीं हैं, हमें कोई डर नहीं, हमें अपने विधायकों पे भी पूरा भरोसा है और हिमाचल की संस्कृति पे भी पूरा भरोसा है कि यहाँ इस प्रकार की खरीदो फरोख्त से लोग इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। और दूसरा कारण है कि हमारे को मेजोरिटी इतनी आ रही है कि भाजपा मुझे लगता है 20 तक सिमट जाएगी, तो वो परिस्थितियाँ बनने वाली नहीं है। या एक मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी की आने वाले 5 सालों के लिए होने वाली है। ये मामला उठा है पिछले 2-3 दिनों में, कई जगह से ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कुछ लोग जो पोस्टल बैलेट्स के लिए एलिजिबल थे, जो कर्मचारी चुनाव के दौरान ड्यूटी में थे, वो चाहे ट्रांसपोर्ट के हैं या सिक्योरिटी सुरक्षा पुलिस डिपार्टमेंट के हैं या एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, जिनको अपना मत देना है, इस लोकतांत्रिक जो परंपरा है उसके हिसाब से हर आदमी को अपना अधिकार है कि उनका वोट भी पड़े, वो भी चाहते हैं, तो वो कुछ कंसर्न है कि कई जगह पोस्टल बैलेट्स नहीं मिले। उन्होंने अप्लाई भी किया, फॉर्म भी भरा, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हमको नहीं मिला। और जिनके पास मिला है, उन्होंने सबमिट किया है पोस्ट ऑफिस में, तो वहाँ भी कोई इंश्योर नहीं है कि आपका 7 तारीख तक 8 तारीख तक सुबह 8 बजे तक पहुँच पाता है काउंटिंग के ऊपर कि नहीं पहुँच पाता। तो ये एक लोगों में मैंने देखा है कि कई जगह से ऐसी संभावनाएं हैं। इसको लेके कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को, हमारा जो लीगल डिपार्टमेंट, उन्होंने कल रिक्वेस्ट डाला है कि आप इसको गंभीरता से देखें, इसके ऊपर कैसे, इसको अगर ऐसी बातें हैं, ऐसी संभावनाएं हैं, तो इसको ठीक करने का प्रयास होना चाहिए। जितने लोग एलिजिबल हैं उनको सबको अधिकार है, उनका वोट पड़ना चाहिए और वो काउंटिंग तक पहुँचना चाहिए, जो सरकार बने उसमें उनका सहयोग होना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आवाज़ उठाई है और इलेक्शन कमीशन को भी लिखा है। तो ढील का मान